असली सवाल है कि स्कूल नहीं, दो मिनट बाद राकेश भाई की तरफ करो। हाँ हाँ बच्चे देखो वो बच्चे। और स्क्रिप्टेड क्वेश्चंस है, फाड़ दो इसको यार, फाड़ दो यार। आप ही गए हमारे बैनर पे डाल डाल दो, ऐसा कौन सा टीम बात है ये यहां पे 20 साल लगे बाद। आज सुनो टीवी की तरफ से हमारी यूनिवर्सिटी का इनविटेशन कार्ड आया है टॉक शो के लिए, तो आज हम जाएंगे सुनो टीवी की तरफ, क्योंकि आजकल स्टूडेंट और पॉलिटिशियंस के दरमियान जो कॉम्बिनेशन है वो ट्रेंडिंग पर है। तो ये जो जा रहा है आप दुआ करो कोई साना है पांच मार्च ना हो जाए, इतनी साफ सुथरी बस हमारी यूनिवर्सिटी की नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना प्रोडक्शन प्रोडक्शन वाले प्रोग्राम किया जा रहा है जिसमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को बुलाया जा रहा है और उनका टॉपिक है सियासत रियासत और सियासत ने रियासत का उल्टा लटकाया हुआ है। तो इधर ही जा रहा हूँ क्वेश्चन करके, ये हमारे सारे पहुंचे हुए हैं सुनो टीवी के बाहर, तो आगे का नजर दिखें और यहाँ इनका गेस्ट एरिया। नहीं नहीं सारे बांध मारनी है था इंशाल्लाह सही होगा सारा। तो आपको पता है हमारे स्टूडेंट की हालत नहीं नहीं कुछ नहीं होगा अल्लाह खैर करेगा, ये बोल देता है स्टूडेंट में जोश होता है ना नौजवान, इसीलिए कह रहा हूँ दुआ करो ना हो जाए। हाँ हाँ ये जी सुनो टीवी का ऑडिटोरियम है और यहाँ पे टॉक शो होने जा रहा है सियासत और रियासत। मजे की चीज़ एक और हो रही है, यहाँ पे कह रहे हैं कि सवाल किस किस से करना है, किस किस को इसको, ये तो ऐसा ही है जैसे आप खुद भूखे हो और आपके सामने खाना रख के पूछेगी कि आपको खाना है कि नहीं खाना। जाहिर बात ये सारे आए हुए स्टूडेंट हैं, फुल जोश है सारा गर्म है, तो सवाल डट के पूछें कि वो लगता है आज इशाना है पाँच मार्च पे हो जाएगा। सिगरी भाई है इधर के हमारे असनी साहब अब्बासी जी, अब्बासी जी ये जी असनी जी। यार यूनिवर्सिटी में ना बैक बेंचेस का समझ आता है कि उसका सवाल पूछता है टीचर तो बैक हमारे पीछे नहीं ना मतलब कहते हैं यार कल क्लास में कुछ सवाल हो जाता है टीचर डांट देता है तो पीछे बैठ जाते हैं, अब यहाँ पे भी ये लोग पीछे ही बैठे हुए यार क्या सीन है, आप पीछे क्यों बैठते हैं? बस जगह जहाँ मिली है वहाँ बैठ गई। हम अपना चीज अपना रखें, ये अभी आपको मिलाता हूँ नॉन पीटी वकार से कहा से ये जी नॉन पीटी वकार से कहा, अरे आगे देख वकार से कहा कौन जीटिए बैठे रहे भाई हटो सामने से हटो। तो बिल्कुल मैं बैरिया से बैरिया यूनिवर्सिटी से बिल्कुल मैं मैथ्स कॉम कर रहा हूँ। आप पहले कहाँ से बैरिया यूनिवर्सिटी कहाँ से आ गया? वो अच्छा मेरी बात है सॉरी उर्दू यूनिवर्सिटी मेरी है मैथ्स कॉम का स्टूडेंट हूँ, मेरा तकरीबन चौथा सेमेस्टर है और पता नहीं कैसे चौथा है, मैं तो पहले मैं एडमिशन लिया था चौथे में पहुँच गया हूँ, ये दोस्तों की मेहरबानी जो हमें पास करवा रहे हैं। और फर्स्ट यूनिवर्सिटी अगर बदनाम है ना तो ऐसे लोगों की वजह से देख छोटी बच्चियाँ अच्छी क्यूट होती है ना बंदा
भाई देख के भाई टॉक शो के चक्कर में अपना जान ना दे। सर एक क्वेश्चंस पहले दिए हुए स्क्रिप्टेड क्वेश्चंस है। ऊपर से स्क्रिप्टेड क्वेश्चन है सर। हार्ड इसको स्क्रिप्टेड क्वेश्चंस है। फाड़ दो इसको यार, फाड़ दो यार, फाड़ देंगे आज। भाई लगता है फुल फिल्मी सीन है, फिल्म बन रहा है जहाँ पे ऐसा ही है। एक शॉट से फिर क्लैपिंग, फिर क्लैपिंग, फिर शॉट। ऑनेस्टली मुझे बताएं टीम से पूछ रहा हूँ कि जितने सियासतदान हैं उनको टाइम कितने बजे का दिया था? हमें 11 बजे का हल्का रखे, उसके बाद जितना एक एक मिनट ऊपर जाता जाए मजा आएगा। सर सानिया 5 मार्च भी होगी, सानिया 5 मार्च भी होगी, सानिया 5 मार्च, सानिया 5 मार्च। सर बता एक बजे के बाद जितने मिनट ऊपर जाएंगे वो आपकी मर्जी। आप रोकेंगे मैंने आपसे कहा था कि नहीं बोल जाते जो दिल करता है बदतमीजी नहीं, लेकिन आप लॉजिकली जो भी सवाल करते हैं तो हम कौन सा बदतमीजी कर रहे हैं? मैं यहाँ पे आपके अंदर बैठा के मैं आऊँ हंसने। सवाल है कि स्कोर नहीं है, दो मिनट बाद। अच्छा जी जी क्या कहना है? एक सवाल है, क्रिकेट स्टेडियम में बॉयज़ की तरफ कैमरा नहीं आता, ठीक है, क्रिकेट स्टेडियम में? अच्छा आज भी नहीं आ रहा, क्या कहना चाहेंगे? ये देख दो दफ़ा शॉट लिया है आगे, थोड़ा गर्मी होती है यार। ये जो टी वी में ना बड़ा फिट करके बाल सही रखे फाट नज़र आता है ना, एक्चुअली होता नहीं है, उसके पीछे बैकग्राउंड दिखें। ये अभी मेकअप आर्टिस्ट बैठे हुए जो जैकेट पहने हुए वो आगे शूटिंग हो रहे हैं, एक एक सीन करके शूटिंग हो रही है। ये मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपनी टीम से, वेरी गुड, सुनोगी टीम जो ये बात कर रही है, ऑब्वियसली वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हमने की है कि वहाँ पे एथिक्स नॉर्म्स को फॉलो करेंगे, लेकिन जो बात ये कहेंगे वो उन्हें जानी चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट है। आप लोगों को डिसएनफ्रेंचाइज करती है, ये आप लोगों को बताती है कि अगर आपके अंदर वो खून नहीं है आप जो मर्जी करें आप नहीं कर सकते। मैं उस खानदान में से हूँ कि 2013 तक हमारे खानदान में से किसी ने एक वोट नहीं डाला, लेकिन हमने वो क्यों डाला? मेरे जैसे प्रोफेशनल लोग जो कि अपने प्रोफेशन में पूरी दुनिया में भी माने जाते हैं, वे क्यों पॉलिटिक्स में? क्योंकि एक शख्स ने मुझे बताया कि यहाँ देखो अगर तुम नहीं आओगे तो फिर कौन आएगा? सवाल क्या पूछेंगे? सवाल यही है कि आपके टोस्ट पे इतने नमक है कि नहीं है? फिर हम आपको मोस्ट वेलकम करते हैं। पिछले 30 सालों से देख रहे हैं कि आपकी पार्टी और दूसरी आपस में अदला बदला खेल रहे हैं, एक आते दूसरा जाते हैं, इन्होंने कभी भी मतलब मुल्क को गंदे करने से बोलते चले गए। अब आप हमें बताइए अगर आप बाई चांस आप ही गए हमारे मैंडेट पे डाका डालने को, ऐसा कौन सा तीन बात है यहाँ पे 30 साल लगे बात है? यार मौका नहीं मिल रहा चलो सवाल करने के लिए, अब देखते हैं क्या होता है। मोए मोए कुछ सवाल पूछ लिए, बाकी सवाल रह गए। नंबर 8 सौ 4
ये जी टॉक शो ख़त्म हो गया और सारे मिल गए ना पीटीआई के एक बंदा था यहाँ पे लीडर उसके साथ सेल्फी लेने में सारे मशहूर हो गए। अभी हम देखते हैं इनसे बात करते हैं। सर प्लीज हमारी जो वोटिंग आप इसलिए नहीं देनी है इसमें क्यों अपनी करना है आपने। हो गया बस क्लियर हो गया।